शिमला जिला के रामपुर थाना का लोगों ने घेराव किया और खूब नारेबाजी की। उसके बाद एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा और न्याय की मांग की। ज्ञापन के बाद रामपुर बाजार में कैंडल मार्च भी निकाला गया। लोगों का आरोप था कि 9 जून को रामपुर बाजार में एक शिक्षिका को ससुराल के लोगों द्वारा आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया। उसके बाद सबूतों से भी छेड़छाड़ की गई। उनका आरोप था कि पुलिस ने साक्ष्य जुटाने में देरी की। आरोप लगाया गया है कि आत्महत्या करने वाली ने प्रताड़ित करने वालों का ब्योरा भी दिया था, बावजूद इसके पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। उन्होंने कहा कि इस मामले में पुलिस आत्महत्या मजबूर करने वालों को बचाने का प्रयास कर रही है। वहीं पंचायत प्रधान बीरेंद्र बलूनी ने बताया कि लड़की को इतना टॉर्चर किया गया जिससे उसे आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने कहा कि आगे भी पुलिस साक्ष्य से छेड़छाड़ कर सकती है, इसलिए ईमानदारी से जांच हो। जो नौत्री को यहाँ जो है ये फांसी का प्रकरण हुआ, जिसे मेरी भांजी ने जो है यहाँ फांसी लगवाई, उसके संदर्भ में आपके माध्यम से जो सरकार तक अपनी बात पहुँचा रहा हूँ कि जब 9 तारीख को उसने फांसी लगाई, उस वक्त जो पुलिस वहाँ मौजूद थी, उन्होंने जो साक्ष्य वहाँ उस टाइम जुटाए और जुटाने चाहिए थे, उनमें जो है उसके बाद बहुत छेड़खानी हुई जो कि इनके परिवार वालों ने की। आत्महत्या करने वाली की बहन कीर्ति ने बताया कि बहन इतनी कमजोर नहीं थी, लेकिन ससुराल पक्ष के कुछ लोगों ने इतना प्रताड़ित किया कि वे आत्महत्या के लिए मजबूर हुई। पुलिस भी इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। मतलब इतना बड़ा हादसा मेरी बहन के साथ हो गया, उसकी जान चली गई। जब मुझे पता लगा कि वो इस दुनिया में नहीं है, मैं पहुंची घर पे, और जब मैंने घर में देखा तो मेरे पैरों से ज़मीन खिसक गई। जो लड़की मेरे को हिम्मत देती थी, मेरे माँ बाप को हिम्मत देती थी, जिस लड़की ने इतना स्ट्रगल किया बच्चे के लिए, मुझे इतना समझाया, वो लड़की ऐसे चले जाएगी, मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि एक सपना है जो अब टूटेगा। लेकिन मुझे बहुत रोष है इस पुलिस पे, जिन्होंने कार्रवाई ढंग से नहीं की। जब हम स्पॉट पे पहुंचे, सारे सबूत मिट चुके थे। जिस टेबल से सुसाइड हुआ, वो टेबल भी वहाँ नहीं था। वो कहा गया है उसने, जिसका नाम सुसाइड नोट पे लिखा गया है, परिवार के जो कुछ लोग जिन्होंने उसे डरकर डराया धमकाया। नीना शर्मा ने बताया कि शिक्षिका का सुसाइड नोट बताता है कि उसे हत्या के लिए मजबूर किया गया। पुलिस ने हत्या के लिए मजबूर करने वालों को साक्ष्य मिटाने और फरार होने का पूरा मौका दिया। मैं हाल में ही 9 तारीख को दिव्या कपूर, जिस तरह से उसने सुसाइड किया और परिवार वालों ने, जो सुसाइड नोट में उसने लिखा है कि परिवार वालों ने उसे टॉर्चर किया और जिन जिन लोगों के नाम लिखे उनको गिरफ्तारी की मांग करती हूँ। 9 दिन के बाद 9 दिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें समय दिया ताकि वो अपनी बेल करा सकें। 9 दिन तक वो लोग क्यों नहीं गिरफ्तार किए गए, बेल लेके आए तो आए। रामपुर में, ये रामपुर को बिहार नहीं बनने दिया जाएगा, इसलिए मैं अपने शासन से, प्रशासन से ये डिमांड करती हूँ कि जल्दी से जल्दी इनकी बेल को रद्द करवाया जाए और इन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाए ताकि हर महिला सुरक्षित महसूस करे। महिला सशक्तिकरण तभी होगा अगर महिलाओं को सही मायने में न्याय दिलाया जाएगा।